नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर एंड कॉमन सेंस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि बैटरी से कनेक्टर, कनेक्टर से स्विच, स्विच से मोटर कैसे कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये 9 वोल्ट का बैटरी है। इस पे कनेक्टर ऐसे लगता है, इसको कनेक्टर बोलते हैं। ये कनेक्टर इसमें फिट कर दिए, थोड़ा प्रेस करके इसमें ये बैठ जाता है। बैठने के बाद ये जो वायर है, इसको आप, इस मोटर के दो हिस्से होते हैं, माइनस प्लस, तो इसमें एक तरह आप जॉइंट कर दीजिए। इसको यहाँ जॉइंट कर दिए और ब्लैक वायर इसमें जॉइंट कर दीजिए। इसको आप अच्छी तरह से ट्विस्ट करके जॉइंट कर दीजिए। ये जॉइंट हो गया। तो दोस्तों, इसको कोई भी एक वायर ब्लैक ब्लैक को जॉइंट कर दीजिए आप, बहुत आसान है। ये जॉइंट हो गया। ये इसको यहाँ से यहाँ तक एक कनेक्ट किया। फिर ये स्विच है, ये स्विच किसी ये रेड वायर के बीच में लगाते हैं, तो इसको एक तरह से इसको जॉइंट कर दीजिए एक तरफ से। ये जॉइंट हो गया इधर, और ये बैटरी का जो वायर है इसको इधर जॉइंट कर दीजिए। यहाँ ये कनेक्ट हो गया। ये आपका पूरी तरह से कनेक्ट हो गया। ये बैटरी का वायर है एक तरफ, और एक तरफ मोटर का वायर है, और ये कंटिन्यू इसमें एक ही वायर है। और इसको फैन को इसके ऊपर लगाकर आप चेक कर सकते हैं कि हमारा कनेक्शन पूरा हुआ है कि नहीं। ये स्विच आप इसको प्रेस करेंगे तो ये चालू हो जाएगा। देखिए, पूरी तरह से कनेक्शन अच्छे से हो गया। ये मोटर का आवाज़ आता होगा शायद आपको। ये रहा पूरा कनेक्शन, बैटरी से कनेक्टर, कनेक्टर से स्विच, स्विच से मोटर। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।